ड्रामा ड्रामा और ड्रामा, क्रिकेट अब खेल नहीं रहा बल्कि पॉलिटिक्स बन गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 100 से भी कम दिन बचे और अभी तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि कहां पे होगा यह टूर्नामेंट। जहां पे ये रिपोर्ट आ रहा था कि अगर पाकिस्तान विथड्रॉ कर लेगा इस चैंपियन ट्रॉफी से तो साउथ अफ्रीका में इस ट्रॉफी की होस्टिंग होगी, लेकिन उसी टाइम साउथ अफ्रीका में एसए टी20 मतलब साउथ अफ्रीका टी20 लीग चलने वाला है और उसके वजह से साउथ अफ्रीका भी रूल आउट हो रहा है इस होस्टिंग कॉन्टेंशन से। और विक्रांत गुप्ता के जैसे कुछ जर्नलिस्ट आके बोल रहे हैं अभी इंडिया करेगा होस्ट। बीसीसीआई के अंदर यह बात चल रही है कि अगर इन केस पाकिस्तान पुल आउट ही कर जाता है, वो कहता है कि हम ना तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ना ही इसे होस्ट करेंगे इन केस वो हाइब्रिड पे आईसीसी फोर्स करता है, और पाकिस्तान कहता है कि जाओ हम नहीं जा रहे, तो हो सकता है कि फरवरी में आपको फरवरी मार्च में ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में देखने को मिले। मतलब वो स्पोर्ट्स तक के जर्नलिस्ट है, मतलब अभी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की भी कोई एथिक्स नहीं है, कुछ भी डाल दो व्यू लाने के लिए। मुद्दे के बात ये है कि पीसीबी ने ऐसा कंप्लेन किया था कि बीसीसीआई ने मीटिंग पे ऐसी कोई पोख्ता रीजन नहीं दिया कि क्यों बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान में भेजना नहीं चाहता, लेकिन 14 नवंबर को ही बीसीसीआई ने अपना प्रॉपर एविडेंस आईसीसी को भेज दिया है। अभी इसका कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। देखो भाई, इस टूर्नामेंट के होस्टिंग का अभी सिर्फ 3 सीनरियोस है, जहां पे एक कि हाइब्रिड मॉडल में ये टूर्नामेंट हो, लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल हो जाएगी तब 5 मैचेस पाकिस्तान से बाहर जाके यूएई में चला जाएगा एंड उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। और इन 5 मैचों में 3 मैचेस तो रहेगा इंडिया का और 2 मैचेस एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, तो आप समझ रहे हो कि जितना भी पैसा खर्च करेगा पाकिस्तानी बोर्ड इस चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए, अगर इंडिया टीम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगा तो उस पैसों का 50% रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाएगा। और इसी कॉन्सर्न पे फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन नाजम शेठी ने बोला है कि अभी आईसीसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान को कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2023 का जो एशिया कप हुआ था उस एशिया कप के दौरान वो पीसीबी का चेयरमैन था एंड उनको पता है कि कितना लॉस हो जाता है अगर हाइब्रिड मॉडल पे किसी भी टूर्नामेंट चला जाए। ऊपर से हाइब्रिड मॉडल होने के वजह से पाकिस्तान को कुछ भी गेन होने नहीं वाला, सारे क्रेडिट तो बीसीसीआई और इंडिया लेके जाने वाला है। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक डिफरेंट होस्ट दे दो एंड नाजम सेठी ऐसा भी बोला है कि डिफरेंट होस्ट देने से बहुत अच्छा रहेगा, जब तक इंडिया पाकिस्तान के बीच अच्छा रिलेशन ना बने तब तक ऐसे हाइब्रिड मॉडल पे किसी भी स्पोर्ट्स चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि आईसीसी बीसीसीआई के बात जरूर सुनेगा क्योंकि बीसीसीआई के पास सबसे ज्यादा पैसा है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि पोस्टपोन हो जाए पूरा टूर्नामेंट। पोस्टपोन हो जाने से तो दिक्कत आ जाएगी फिर से पाकिस्तानी बोर्ड को, ऊपर से क्रिकेट फैंसों का, जो फैंस इतने देर तक वेट करके बैठा है कि कब आएगा फिर से चैंपियंस ट्रॉफी, उन फैनों का बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। लेकिन इतने सारे अनसर्टेनिटी के बीच आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का एक प्रोमो बना दिया और उस प्रोमो में ऑलरेडी दिखा रहा है ऐसा कि पाकिस्तान होगा इस बार की होस्ट एंड इधर ऑलमोस्ट सारा डाउट्स क्लियर हो रहा है कि पाकिस्तान के होस्ट बनने का चांस इस बार सबसे ज्यादा है। सिर्फ ये ही नहीं, ऑलरेडी इस टूर्नामेंट का जो ट्रॉफी है ना वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है और 16 नवंबर से इस ट्रॉफी का टूर होगा पाकिस्तान में, इस्लामाबाद से इस टूर स्टार्ट होगी और गॉडविन ऑस्टिन K2 के सबसे पिक पर जाएगा ये ट्रॉफी। लेकिन रावलपिंडी हो या फिर कराची हो, ये सब स्टेडियम में ट्रॉफी टूर नहीं होगी। तो आप समझ रहे हो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो वर्डिक्ट है और जो भी होस्टिंग होना चाहिए वो अभी आईसीसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आईसीसी हैज द बॉल इन देयर कोर्ट, सो आईसीसी डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं, बीसीसीआई क्या बोलेगा, पीसीबी क्या बोलेगा, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और मेरा ओपिनियन ये है स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रखना चाहिए, अभी ये बहुत ज्यादा हो।
अभी इसका पॉलिटिकल एंगल बहुत ज्यादा खींच रहा है एंड ऐसा खींचना नहीं चाहिए। इससे एक अच्छा फंडामेंटल, सारे क्रेज, सारे जो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, सब कुछ खराब हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।